नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज नया साल का पहला दिन है, तो मैं ऐसी आशा करता हूं, ऐसी दुआ करता हूं कि जितनी खुशियां आपको 2019 में मिली उससे कई गुना ज़्यादा खुशियां और तरक्की आपको 2020 में मिलें। चूंकि हम धोलेरा के टॉपिक को लेकर, धोलेरा प्रोजेक्ट को लेकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं यह भी आशा करता हूं कि जितनी तेज़ी के संग काम 2019 में हो रहा था उससे कई गुना तेज़ी के संग काम धोलेरा में 2020 में हो। तो अब हम आते हैं मुद्दे पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 2020 की पहली ग्राउंड रिपोर्ट, फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको नए साल में दूंगा, जो कि पहली ग्राउंड रिपोर्ट होगी 2020 की, जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूं कि क्या क्या हो चुका है अभी तक और क्या है इस नई ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं आपको बता दूं कि इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं कवर करूंगा एयरपोर्ट को, कौन सी ज़मीन एयरपोर्ट को अलॉट की गई है, कितनी ज़मीन एयरपोर्ट को अलॉट की गई है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक्टिवेशन जोन का कितना काम हो चुका है, रोड कैसे बनाए जा रहे हैं, कौन से ट्रंक और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और उस वीडियो को उतना ही प्यार देंगे कि आपने जितना पिछले वीडियोस में दिया है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज न्यू ईयर का दिन है और न्यू ईयर के दिन हम निकल पड़े हैं धोलेरा की फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट को शूट करने के लिए। जी हाँ, नए साल की नई ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। और इस ग्राउंड रिपोर्ट में अभी आप जो देख रहे हैं, जो रास्ता आप देख रहे हैं, रास्ता सीधा आपको फ्यूचर में ले जाएगा धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, राइट साइड की जो आप पूरी ज़मीन देख रहे हैं, पूरी ज़मीन धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अलॉट की गई है। आगे हम जैसे जैसे बढ़ते गए हमें पूरी ज़मीन दिखती गई और फ्यूचर की इमेज अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फ्यूचर की इमेज धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैसी रहेगी। हम आगे बढ़ते गए और ज़मीन का नज़ारा बिल्कुल सेम था, इसलिए हमने आगे से जब यू टर्न लिया तो यू टर्न लेने के बाद यह पूरी ज़मीन आपको एक बार फिर से हमने दिखाई। यह पूरी ज़मीन जो थी वो केवल और केवल एयरपोर्ट के लिए अलॉट की गई है। आप सामने देख सकते हैं कि कितने अच्छे वर्ड्स जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जब हमने लोकल लोगों से पूछा कि ये वर्ड्स यहाँ कहाँ से आए, तो वो बताते हैं कि हर साल ये माइग्रेट होकर अलग अलग कंट्रियों से धोलेरा के आसपास आकर बस जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप धोलेरा आएँ इन वर्ड्स को ज़रूर देखें। यह बहुत ही सुंदर नज़ारा है और एक सुकून भरा नज़ारा आपको यहाँ को देखने को मिलता है। मैं और भी रुकता लेकिन मुझे आगे की शूटिंग करनी थी, इसलिए वहाँ से मैं आगे बढ़ गया। जैसे ही हम धोलेरा में आगे बढ़े तो आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है। यह बोर्ड के आगे का रास्ता आपको सीधा ले जाता है एक्टिवेशन जोन के अंदर। जी हाँ, बगल में आप जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, इन बिल्डिंग में आपको शॉप्स मिलती हैं, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर होटल भी हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इन फ्यूचर आप धोलेरा विजिट पर आते हो और आपको नाइट स्टे अगर करनी पड़ी, तो जो मोदी विजन होटल है आप उसमें स्टे कर सकते हो। इसके बाद हम और आगे बढ़े तो हम अंदर और घुसते गए। मैंने जगह जगह काफ़ी सारा काम भी देखा। मैं आपको बता दूं कि ये जो सामने बिल्डिंग है, ये गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग बन रही है और इस गवर्नमेंट की बिल्डिंग में शायद ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो या फिर पावर टरेंट। चूँकि लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो मैंने उनसे इतना नॉलेज नहीं ले पाया कि ये कौन सी बिल्डिंग है, लेकिन इस एरिया की फ्यूचर इमेज मुझे ज़रूर मिल गई, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ, ये जो फ्यूचर इमेज है, इस तरह से पूरे धोलेरा के इस रोड को डेवलप किया जा रहा है। फ्यूचर में यह एरिया इसी तरह से दिखेगा। जब इस एरिया के आसपास को मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर सीवेज और ड्रेनेज का काम लगभग कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने देखा कि जो सीवेज और ड्रेनेज है उनको बड़े ही अच्छी तरीके से, सटीक तरीके से एक दूसरे के साथ चिपका कर बड़े ही सुंदर तरीके से बनाए जा रहे हैं। दोनों तरफ की सीवेज ड्रेनेज को मैंने उतर कर देखा, मैंने पाया कि बड़े ही मजबूत हैं। इन फ्यूचर अगर किसी भी दिक्कत की वजह से किसी भी व्यक्ति को इसमें उतरना पड़ा तो बड़े आराम से दो तीन व्यक्ति एक साथ इसमें उतर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये जो सीवेज और ड्रेनेज है, मैं आपको बता दूँ कि तीन लेयर रोड के नीचे इन सीवेज और ड्रेनेज की बिछाई जा रही हैं। मतलब जो ब्लॉक्स रहेंगे इनकी तीन लेयर रहेंगी, इसमें सीवेज, ड्रेनेज, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी फैसिलिटीज़ इन्हीं ब्लॉक्स के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इन ब्लॉक्स के अंदर आप इजीली तरीके से देख सकते हैं कि कैसे वो तीनों लेयर एक दूसरे से सटकर एक मजबूत लेयर को डेवलप करती हैं। जी हाँ, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे से पूरे धोलेरा में लिंक्ड रहेगा। मतलब कि पूरा सीवेज ड्रेनेज इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो कितनी सुंदर इमेज फ्यूचर की आपको देखने को मिलेगी। ये पूरे ब्लॉक्स को कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ बड़ी हरियाली है, बीच में भी काफ़ी सारा ग्रीन एरिया आपको रोड के दोनों तरफ देखने को मिलेगा। और इन ड्रेनेज की लंबाई चौड़ाई अगर आप मानेंगे तो मेरे हिसाब से इनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 8-8 फीट है। क्योंकि यहाँ पर लाइव काम भी चल रहा था, जो जेसीबी वाले भैया थे वो वहाँ पर काम कर रहे थे। हालांकि मैंने उनके साथ एक सेल्फी भी ली, क्योंकि न्यू ईयर के दिन अगर कोई काम कर रहा है तो उनके साथ फ़ोटो लेना बनता है। देखिए, मैंने यहाँ पर देखा कि काफ़ी अच्छी तरीके से इन रोडों को बनाया जा रहा है। आप मैं जब नीचे की तरफ और उतरा, मेरे अंदर और उत्साहित
मेरे अंदर और जिज्ञासा जागी कि मैं नीचे उतरकर इन चीज़ों को और अच्छे से देखूं। तो मैंने देखा कि किस तरीके से इन ब्लॉक्सों को एक दूसरे से सटाकर बिछाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह अपर लेयर है, इसके नीचे भी दो लेयर इन ब्लॉक्स की हैं, मतलब कि इन लेयरों में से कहीं से वाटर, कहीं से सीवेज, कहीं से ड्रेनेज, कहीं से वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी। अगर आप आगे पीछे और देखेंगे तो सेम चीज़ आपको फिर से देखने को मिलती है, जो कि मैं ऊपर भी दिखा रहा था कि ये ड्रेनेज का साइज़ इतना लंबा चौड़ा होगा। इसकी आप इमेज देखिए, आराम से दो तीन व्यक्ति इसमें पार्क की तरह घूम सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपको ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं यहाँ से आपको वायर जो भी होंगी ना, क्या हालांकि आपको पता है जैसा कि 9 से 12 तरह की वायर आपके मकान तक, आपके घर तक ये धोलेरा की कनेक्टिविटी के द्वारा आपको पहुंचाई जाएंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से, कितने सुरक्षित तरीके से आपके मकानों तक यह सुविधा पहुंचेगी। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने अच्छे तरीके से पूरे धोलेरा में काम चालू है। आप देखिए कितनी तरह की लाइन होंगी जो आपके मकान तक पहुँचेंगी। इसमें आप साफ देख सकते हैं अलग अलग रंग की अलग अलग लाइनें हैं, जो कि तभी पता लगेंगी जब इनको एस्टेब्लिश पूरी तरीके से कर दिया जाएगा। जब मैं आगे इस एक ब्लॉक को देख रहा था तो आप देखिए इस ब्लॉक की लंबाई मुझसे भी ज़्यादा है। मैं मान सकता हूँ कि इसकी लंबाई लगभग 8 से 8.5 फीट हो सकती है। इसकी अंदर की चौड़ाई भी लगभग इतनी ही थी। तो कितना बड़ा ब्लॉक और कितना बड़ा सीवेज, ड्रेनेज, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ब्लॉक्स को बनाया जा रहा है, सेट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है अभी इसको डेवलप किया जा रहा है। जब मैंने वो भैया से पूछा कि इस रास्ता को किस तरीके की तरह बनाया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि इसके नीचे दो लेयर बिछ चुकी हैं, ऊपर की अपर लेयर बाकी है जो कि बिछ रही है। जब मैं इस पूरे रास्ते को फिर से समतल कर दूंगा तो दूसरी जो थर्ड लेयर है वो उस पर डाली जाएगी। इतना शूट करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़े। मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा मैंने आर्टिफिशियल रिवर का शूट आपको दिखाया था अपनी फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट में। उस टाइम जो काम था वो उतना नहीं हुआ था, लेकिन अभी हम देखने जा रहे हैं कि कितना काम हो चुका है। ये फ्यूचर की इमेज है इस रास्ते की, यह जो रास्ता है फ्यूचर में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल रिवर की तरफ आगे बढ़े, हमें जगह जगह जेसीबी मशीन्स काम करती नजर आई, लोग बाग काम करते हुए नजर आए। मतलब साफ है कि पिछले ग्राउंड रिपोर्ट से ज़्यादा इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम प्रीवियस ग्राउंड रिपोर्ट से कंपेयर करें तो इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। आप देखिए कितने सारे लोग सड़क किनारे फुटपाथ को तैयार कर रहे हैं। यह फुटपाथ मतलब वॉकवे का नज़ारा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था। यह वही बिल्डिंग है जो पिछले बार मैंने आपको दिखाया था, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत अंतर आया है काम में, ज़्यादा नहीं आया। लेकिन हम आर्टिफिशियल रिवर की तरफ बढ़ेंगे, हमें जिज्ञासा है कि उसमें कितना काम हुआ है या फिर कितनी तेज़ी के संग उसमें काम चल रहा है, ये चीज़ हमें देखनी होगी। जैसे ही हम आर्टिफिशियल रिवर के आसपास पहुँचे, हमें देखने को मिला कि लोग वहाँ काफ़ी तेज़ी के संग काम कर रहे थे। आप भी देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और एक साथ, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पूरी लेयर है 15-16 किलोमीटर की, और कुछ लिमिटेड दूरी के बाद ये लोग आपको हर जगह दिखने को मिलेंगे पैरेलली। जहाँ तक ये आर्टिफिशियल रिवर जाता है वहाँ वहाँ ये कुछ कुछ दूरी के बाद ये लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। और जब मैंने इनसे पूछा कि यह आर्टिफिशियल रिवर को बनाने की क्या तिथि है, तो उन्होंने बताया कि लगभग इसको पूरा फुटपाथ को मतलब अगल लेफ्ट और राइट में डेवलप करने में लगभग 1 साल का टाइम लग जाएगा। आप फ्यूचर इमेज देख सकते हैं आर्टिफिशियल रिवर की कितनी सुंदर है। मुझे लगता है यह देखने के बाद शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि वास्तव में धोलेरा में ज़मीनी लेवल पर काम बड़ी तेज़ी के संग हो रहा है, और जो लोग सोचते थे कि धोलेरा में काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, शायद ये वीडियो उनके लिए एक आंसर होगा। मैं और आगे की तरफ बढ़ा, मैंने जानने की कोशिश की कि कितने लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे होंगे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पर लगभग हर एक लिमिट की दूरी के बाद लगभग 20 लोग हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर सीमेंट बनाया जा रहा है, मिट्टी को सीमेंट्स में मिलाया जा रहा है, फिर वो ब्लॉक्स में उन मिट्टी और सीमेंट को डाला जा रहा है, मतलब मजबूत किया जा रहा है। तो मजबूती तो काफ़ी देखने को मिल रही है आपको धोलेरा के अंदर। मतलब साफ है कि अगर हम डिग फ्री सिटी बोल रहे हैं तो उसका रीज़न है क्योंकि मजबूती के साथ हर चीज़ को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, मैंने देखा कि शायद इतने ही लोग हैं कि और भी आसपास लोग हैं। तो आप जब आगे देखेंगे तो कुछ लोग आपको ब्लॉक्स के नीचे काम करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, वो लोग ब्लॉक्स के नीचे मिट्टी या सीमेंट और गिट्टी को सेट कर रहे थे। मतलब कि उनका मानना ऐसा है, जब मैंने उनसे पूछा कि वो एक क्या कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम इसको एक मजबूत जोड़ दे रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में सालों साल तक इस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े किसी भी चीज़ का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और हम लोगों को, इन लोगों को अप्रिसिएट करना चाहिए। मुझे लगता है जब भी आप अगर धोलेरा जाएँ और ऐसे लोग आपको काम करते हुए नज़र मिलें तो आप उनको अप्रिसिएट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपना घर छोड़कर धोलेरा स्मार्ट सिटी को डेवलप कर रहे हैं।
चलिए अब मैं आपको आगे का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। मैं आगे जब बढ़ा तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन TP2 के एक्टिवेशन जोन में बनाया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेशन है। दूर से जब आप देखिए मैं कितनी दूर हूँ उस स्टेशन के, लेकिन उसके पास जब आप जूम करके देखें तो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, जो कि मतलब कितना बड़ा एरिया है जो स्टेशन के लिए डेवलप किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने जब यहाँ से पूछा, लोगों से पूछा कि ये क्या बन रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन बन रहा है, यहाँ से धोलेरा को बिजली प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ही मैं आगे बढ़ता गया तो काम मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला। जैसे भी मशीन्स काम कर रही थी, काफ़ी सारे व्हीकल्स यहाँ पे खड़े हुए थे जो कंस्ट्रक्शन करने में काम आते हैं, काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पे मुझे देखने को मिले। सीवेज ड्रेनेज के काफ़ी सारे ब्लॉक्स लेफ्ट और राइट में मुझे देखने को मिले। काफ़ी लंबे चौड़े रोड जो कंस्ट्रक्ट हो चुके थे वह भी मुझे देखने को मिले, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। ट्रैक्टर भी है, काफ़ी सारे लोग अपने अपने व्हीकल से यहाँ पे खड़े हुए हैं और काफ़ी सारे लोग अंदर भी उस स्टेशन में काम कर रहे हैं। आप देखिए JCB मशीन्स आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और काफ़ी सारे ट्रक मेरे लेफ्ट साइड में खड़े थे जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। देखिए ये जो ट्रक हैं, लगभग मैं मान सकता हूँ कि 15 ऐसे ट्रक थे वहाँ पर खड़े थे इस स्टेशन में काम करने के लिए, और काफ़ी सारे ट्रक इसके अंदर भी खड़े हुए हैं इस स्टेशन के, जो मिट्टी लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इस स्टेशन की लंबाई और चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। अगर मेरी माने तो यह लगभग 300 से 400 मीटर की पूरे एरिया में बनाया जा रहा होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एरिया माना जाता है। आप अगर इसके अंदर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो को यहाँ काम कर रहे हैं। आप देखिए कि कितने सारे JCB मशीन, ट्रक और यहाँ पर लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो इससे साफ जाहिर है कि धोलेरा के अंदर काम बहुत तेज़ी के साथ चालू है। क्योंकि न्यू ईयर के दिन भी अगर लोग काम कर रहे हैं, वो भी इतनी भारी मात्रा में, आप देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं अंदर, आपको दिख जाएंगे JCB मशीन से हैं, लोग भी काम कर रहे हैं, लोग सामान ला रहे हैं, दे रहे हैं, और मतलब रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे काम चल रहा है। सामने आपको ट्रक भी देखने को मिलेगा, साफ है कि ट्रक जो है वो मटेरियल लाने और ले जाने का काम कर रहा है इस सब स्टेशन के या फिर स्टेशन के अंदर। इस स्टेशन के चारों तरफ बनाई जा रही हैं, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े जनरेटर देखने को मिलेंगे, जो शायद अभी फॉर टाइम बीइंग इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। आप देखेंगे तो कितने सारे खंबे, जो लाइन आपको दिख रही है खंबों की लाइन है, और मैं आपको बता दूं मैंने इसके पहले भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन देखे हैं, तो विशेषकर इलेक्ट्रिसिटी स्टेशनों में ही ऐसे खंबे बनाए जाते हैं। तो इन खंबों को देखने के बाद मैं श्योर हो गया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन ही बन रहा है। इसके अंदर आपको मिट्टी के, गिट्टी के, रेता के बहुत सारे ढेर देखने को मिलेंगे, जो कि हम साफ मान सकते हैं कि इसको लेवल पर लाने के लिए इसकी जो सॉइल फिलिंग है वो शायद हो रही है। अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे ढेर आपको भी दिख रहे होंगे, लोग भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो मतलब साफ है कि भाई धोलेरा में काफ़ी तेज़ी के संग काम हो रहा है, और ये उन सब के लिए आंसर है जो बार बार बोलते हैं कि यहाँ अभी कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप देखिए कि कितनी तेज़ी के संग काम है। आप भी उन लोगों के संग शेयर कीजिएगा जो इस बात पर बिलीव नहीं करते हैं कि धोलेरा में काम चालू है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन फ्यूचर आप धोलेरा आएँ तो इस इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन को जरूर देखें। मैं भी जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि ये स्टेशन ही होगा इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, लेकिन जब मैंने एक बोर्ड देखा उस पर साफ साफ लिखा था हाईटेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि इसके हाईटेक वर्ड से समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की ही कोई कंपनी है, और हाईटेक बिल्डिंग से और इसी बिल्डिंग से पूरे धोलेरा को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो इस ग्राउंड रिपोर्ट में मुझे लगता है आपने काफ़ी ज़्यादा कुछ जाना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आई होप कि यह ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को पसंद आई होगी। इस ग्राउंड में मैंने जो दिखाया है वो आप लोगों ने बारीकी से समझा होगा, और मैं यही भी उम्मीद करता हूं कि इस नए साल में और इस नव वर्ष की शुरुआत में आप अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएंगे। अगर आपका कोई भी प्लान बनता है इन्वेस्टमेंट को लेकर, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए धोलेरा से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऑन द कॉल, ऑन द स्पॉट मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। नीचे मेरा नंबर आ रहा है, अभी कॉल कीजिएगा, अभी के अभी सारे डाउट अपने क्लियर कीजिएगा धोलेरा को लेकर। तो आई होप कि इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे, लोगों को बताएंगे भी कि क्या है धोलेरा, और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप धोलेरा को प्रमोट करने में लग जाएंगे और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।